आपको आपको कौन विशाल अग्रवाल का दबाव डाला था? पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास पुलिस टीम जो है वो एसके अग्रवाल के घर पहुंचती है, वहां से दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। और जो शिकायत करता है इस पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं ड्राइवर है, जो कि अभी पुणे पुलिस की कस्टडी में है। ड्राइवर ने अपनी शिकायत में बताया कि किस तरीके से एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद से ही एसके अग्रवाल ने ड्राइवर पर पशरा बनाना शुरू किया कि वो इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले ले। एसके अग्रवाल के साथ उनके जो बेटे जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, विशाल अग्रवाल, दोनों ने मिलकर मारपीट भी की, घर में बंधक बनाया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। आया आया इधर आपको चाबी देने के लिए जब नाबालिग था वो बंदा, तब क्यों आपने चाबी दिया? पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास पुलिस टीम जो है वो एसके अग्रवाल के घर पहुंचती है और वहां से दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। और जो शिकायत करता है इस पूरे मामले में है वो कहीं ना कहीं ड्राइवर है, जो कि अभी पुणे पुलिस की कस्टडी में है। ड्राइवर ने अपनी शिकायत में बताया कि किस तरीके से एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद से ही एसके अग्रवाल ने ड्राइवर पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले ले। साथ ही एसके अग्रवाल के साथ उनके जो बेटे जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, विशाल अग्रवाल, दोनों ने मिलकर मारपीट भी की, घर में बंधक बनाया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एसके अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आप ये लश्कर पुलिस स्टेशन की देख रहे हैं, यहीं पर ही एसके अग्रवाल को रखा गया है, पूछताछ यहां पर की जा रही है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम एसके अग्रवाल से पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से उनके लिंक सामने आए थे, हर पहलू था जिसको पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब जब एसके अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है तो कहीं ना कहीं ड्राइवर, जिसको लगातार इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले, उसी ड्राइवर ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दी और अब जाकर एसके अग्रवाल की भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। आपको बता दें कि जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर में विशाल अग्रवाल का भी जिक्र है। विशाल अग्रवाल इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उस नाबालिग लड़के के पिता हैं विशाल अग्रवाल, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा गया है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि जब एक फ्रेश एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है तो विशाल अग्रवाल की जो गिरफ्तारी इस एफआईआर में भी की जाएगी, तो संभवतः पुणे पुलिस फिर से एक बार कस्टडी विशाल अग्रवाल की भी ले सकती है। लेकिन अभी इस केस में कि दो एफआईआर, दोनों एफआईआर की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है। विशाल अग्रवाल पहले ही जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन अब एसके अग्रवाल को भी ड्राइवर को धमकाने, मारपीट करने, इन तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर, एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, पुणे। आपको आपको कौन विशाल अग्रवाल ने दबाव डाला था? पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास पुलिस टीम जो है वो एसके अग्रवाल के घर पहुंचती है, वहां से दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। और जो शिकायत करता है इस पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं ड्राइवर है, जो कि अभी पुणे पुलिस की कस्टडी में है। ड्राइवर ने अपनी शिकायत में बताया कि किस तरीके से एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद से ही एसके अग्रवाल ने ड्राइवर पर पशरा बनाना शुरू किया कि वो इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले ले। एसके अग्रवाल के साथ उनके जो बेटे जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, विशाल अग्रवाल, दोनों ने मिलकर मारपीट भी की, घर में बंधक बनाया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए।